नमस्कार, मैं प्रिया। पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की फटाफट 11 खबरों को। बिहार के एयरपोर्ट पर सुविधाओं और सुरक्षा से होंगे पुख्ता। आने वाले समय हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काफी ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी एयरपोर्ट पर सुविधा दुरुस्त होने वाली है। इसको लेकर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के संबंध में जमीन अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के साथ जवाब तलब किया है। इस मामले पर आगे की सुनवाई अब 9 मार्च 2022 को की जाएगी। बैंक के ग्राहकों से रुपए ठगने वाले साइबर अपराधियों पर हाईकोर्ट सख्त। बैंक के ग्राहकों से रुपए ठगने वालों से अपराधियों पर अब पटना हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने बीते दिन ही साइबर अपराधियों द्वारा बैंक से ग्राहकों का पैसा फर्जी तरीके से निकाल लिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस बाबत साफ शब्दों में कहा है कि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि राजधानी पटना में घटने वाले और संबंधित थानों में इस मामले को लेकर दर्ज कराए गए प्राथमिकी का पर्यवेक्षण अपने स्तर से करते हुए अगली सुनवाई पर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा करे। इसको लेकर जस्टिस संदीप कुमार ने साइबर अपराधियों द्वारा बैंकों से ग्राहकों के पैसे निकाले जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। नाला उड़ाही शुरू कराने के लिए दिए गए आदेश। पटना शहर के सभी नालों की उड़ाही शुरू कराने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है, जिसका आदेश खुद मेयर सीता साहू ने दिया। इस काम के लिए उन्होंने सोमवार को नगर आयुक्त को सभी वार्ड में 20 अतिरिक्त मजदूरों की तैनाती कराने को कहा है। इसके अलावा उड़ाही के लिए बाल्टी, रस्सी, टॉर्च और सफाई कर्मियों के लिए जूता, मास्क और सुरक्षा उपकरण का प्रबंध भी कराने को कहा है। जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही मानसून की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में अभी से ही तैयारियों की शुरुआत हो गई है। चापाकलों की मरम्मत के लिए 46 दल रवाना। राजधानी पटना में 34,907 चापाकल फिलहाल मौजूद हैं, जिनमें से 496 बंद पड़े हैं। इन्हीं बंद पड़े चापाकलों की मरम्मत के लिए बीते दिन कलेक्ट्रेट परिसर में 46 तकनीकी कर्मियों का दल रवाना हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी तकनीकी कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कर्मी गांव में बंद पड़े चापाकलों की मरम्मत करने वाले हैं। इस दौरान डीएम ने बताया है कि प्रत्येक प्रखंड के लिए 2 मरम्मत दल कार्यरत रहेंगे और सभी संबंधित प्रखंड के सभी पंचायतों में मरम्मत दल 3 दिन तक प्रति पंचायत काम करेंगे। पटना का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बना आकर्षण का केंद्र। राजधानी पटना में इन दिनों इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें 10 देशों के उद्यमी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाए हैं। इनके अलावा 12 राज्यों से भी आए उद्यमी अपने प्रदेश के स्पेशलाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टॉल लगाए हुए हैं। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जयपुर से आए उद्यमी जीशान ब्रॉन्ज मेटल क्राफ्ट के डेकोरेटिव आइटम के प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। स्टॉल पर ब्रॉन्ज से बनी हुई डिजाइनर मोर, घोड़ा, घड़ी और कई एंटीक पीस सामान है। फेयर घूमने गए लोगों की माने तो नेशनल ट्रेड फेयर काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ के स्टॉल काफी आकर्षित भी लग रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए फीडबैक की मांग। बिहार में स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में राजधानी पटना को साफ रखना सरकार के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। हालांकि सरकार इस कोशिश में जरूर है कि पटना को साफ रखा जाए, लेकिन अब पटना साफ है या नहीं, इस पर जल्द ही रिपोर्ट तैयार होने वाला है। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए नागरिकों से ऑनलाइन फीडबैक देने की अपील की है। वोट फॉर योर सिटी फीडबैक लिंक पर दिए गए फीडबैक को स्वच्छतम पोर्टल पर तुरंत देखा जा सकता है। इसको लेकर के मेयर सीता साहू ने भी साफ तौर पर बताया है कि नागरिकों के फीडबैक की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका है। पटना में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट। बिहार में ही कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 17 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पटना की बात करें तो पटना में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 170 पर पहुंच गई है, जिसकी पुष्टि 1,10,401 सैंपल की जांच के बाद हुई है। मद्य निषेध पर बिहार सरकार सख्त। बिहार में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू करवाने के लिए बिहार सरकार लगातार सख्त है। यही कारण है कि बिहार सरकार शराबियों को तो पकड़ ही रही है, साथ ही मद्य निषेध विभाग कर्मी सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि सिर्फ विगत 2 महीने में 157 मामलों में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 89 लोगों को सजा सुनाई गई, जबकि 68 दोष मुक्त करार दिए गए हैं। सजा पाने वालों में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 10 को 10 साल और 51 को 5 साल की सजा मिली है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने इस बात की जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने किया नई परंपरा का आगाज। बिहार में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है, जिसके तहत ही बिहार के विधानसभा में भी हर दिन पक्ष और विपक्ष के बीच का मंजर देखने को मिल रहा। इसी बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बीते दिन नई परंपरा का आगाज कर दिया, जिसके तहत ही बीते दिन विधानसभा के सत्र के बाद बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भोजन किया। बिहार विधानसभा में ये पहली बार देखने को मिला है स्कूली बच्चों के साथ भोजन ने
कभी कोई विधानसभा अध्यक्ष बैठे होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और छात्रों के उज्जवल भविष्य में काफी मदद मिलेगी। पटना में साई प्राइम्स क्लिनिक का शुभारंभ। बीते दिन राजधानी पटना में साई प्राइम्स क्लिनिक का शुभारंभ कर दिया गया है, जो कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर विधान पार्षद संजय सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजुम आरा और जदयू के पूर्व प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि मरीजों को यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,480 रुपए है, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 53,950 रुपए है। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,000 रुपए है। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बावजूद क्या आपके आसपास लोग नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की पटना की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।